हेलो दोस्तों, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से और आज मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स अपनी स्किन को ग्लो रखने के लिए। तो सबसे पहले उसमें से एक जो टिप है, सबसे पहला टिप वो है एक्सफोलिएशन। हमारी स्किन का एक्सफोलिएशन टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 बार जो है आपको अपनी स्किन का, मतलब अपने चेहरे का एक्सफोलिएशन करना है। एक्सफोलिएशन मतलब हमारे चेहरे में जितनी भी गंदगी है उसे निकालना है, ताकि हमारी स्किन जो है अच्छे तरीके से सांस ले सके। तो एक्सफोलिएशन के लिए मैंने आपको काफ़ी सारे स्क्रब्स जो है होम रेमेडीज़ में बताए हैं, आप मेरे पीछे के वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में अवेलेबल एक्सफोलिएटर्स यूज़ करने हैं, तो उसमें से मेरे पास जो है एक एक्सफोलिएटर है जो है बायोटेक से। तो ये एक्सफोलिएटर मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे होम रेमेडीज़ करना जान पर आता है, मतलब मैं बहुत थकी हुई रहूँ और मुझे कोई रेसिपी नहीं बनानी है, तब मैं बायोटेक बायो पपाया एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो है कुछ इस तरह दिखता है, देखिए मैंने बहुत सारा यूज़ भी कर लिया है। ये स्क्रब के तरीके से जो है हमारे चेहरे पर काम करता है। ये हो जाने के बाद हफ्ते में आपको 2 बार एक्सफोलिएटर के साथ साथ फेस पैक का इस्तेमाल करना है। फिर से मैंने आपको बहुत सारे फेस पैक्स जो है बताए हुए हैं, आप मेरे पीछे के वीडियोस चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने बायोटेक से लिया हुआ है बायोमड, मैंने ये फेस पैक जो है लिया हुआ है, और इसे मैं हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, अगर मुझसे 2 बार नहीं हुआ तो। ये जो फेस पैक है ये मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ है, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये आपको जो है सबसे पहले टिप याद रखनी है कि आपको एक्सफोलिएशन करना है अपनी स्किन का, और उसके बाद आपको फेस पैक लगाना है अपनी स्किन पर। वो हो जाने के बाद जो है हम लोग, अगर आप ये दोनों भी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, तो आप शक्कर और शहद का एक्सफोलिएटर बना सकते हैं, और मुल्तानी मिट्टी का घर पे जो मैंने आपको फेस पैक बताया है या चंदन पाउडर का, उसे आप लगा सकते हैं। ये हो जाने के बाद जो है आपको इस्तेमाल करना है मॉइस्चराइज़र। ये है सेकेंड टिप, आपको मॉइस्चराइज़र या डे क्रीम जो भी आपकी स्किन पे सूटेबल है, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है, या आप रात को सोने से पहले नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है अच्छे से ब्रीथ करती है और साथ ही साथ हमारी स्किन जो है ग्लो होने में हेल्प करती है। तो ये है दोस्तों सेकेंड टिप। थर्ड टिप ये है कि आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से 1 महीने के अंदर आपको अपनी स्किन में जो है डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों थर्ड टिप। फोर्थ टिप ये है कि आपको टाइम टू टाइम अपना चेहरा धोना है। चेहरा धोना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितने भी एक्सफोलिएटर्स, कितने भी फेस पैक्स या कितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप अपने चेहरे की सफाई नहीं करेंगे तो इन सारी चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है अपने चेहरे को धोने के लिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ है आप ज़रूर फॉलो करें। 5वीं और लास्ट टिप ये है कि जितना ज़्यादा पानी आप पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी में पानी की क्वांटिटी इनफ होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है वो फ्लश आउट हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों पानी का सेवन जो है बहुत ज़्यादा करें। पानी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी स्किन को और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इजी 5 टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं। और सबसे पहला टिप जो मैंने आपको बताया है एक्सफोलिएटर और फेस पैक, ये आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, और बाकी 4 टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करने हैं। मॉइस्चराइजर के बाद टोनर लगाना बिल्कुल ना भूले, ये मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज में बताया है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। गुलाब जल का इस्तेमाल आप टोनर के लिए कर सकते हैं, वरना बायोटेक में जो है एक टोनर आता है क्यूकुम्बर टोनर, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये तो दोस्तों कुछ टिप्स आपकी स्किन को ग्लोई रखने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।